गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता मेरी शारदा मनन करूं हर बार, लाज दास की राखियो ससरड मिलाल कुमार। उत्तर प्रदेश में सुनो जिला इटावा के दरम्यान, जाटब कुल में हुआ है एक डाकू नाथू राम। डाकू नाथू राम की रहे बारा मासी गाय, जन्मे पुरा बलदेव सिंह में, सुनो सभी चितलाई। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोतागण, प्यार करने के योग्य बच्चे, धरा धर्म पर पलने वाली सती सीता सावित्री जैसी हमारी माता एवं बहने, देखिए भारत भूमि में एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक जिला इटावा पड़ता है। उस जिला इटावा में सन 1974 में एक बहुत खूंखार डाकू हुआ जिसका नाम नाथूराम, और उसकी हम बारामासी कहने के लिए जा रहे हैं। ऐसा दक्ष हुआ है कि कुछ कहने में नहीं आता है। सुनो भयो एक शेर मत बारो रे, भयो एक शेर मत बारो, डाकू नाथू राम पुलिस ने गोली से मारो। और सुनो क्या हुआ, आषाढ़ महीना लगो हाल हम तुम्हें सुनाते हैं रे, हाल हम तुम्हें सुनाते हैं। और पूरा बलदेव सिंह टाबा भैया जिला बताते हैं, बंश मोए जाटब बतलायो रे, बंश जग जाटब बतलायो। और 20 वर्ष की उम्र लाल पे डाकू पन छायो, सुनो सब सजन चितलाई रे, सुनो सब सजन चितलाई। और पढ़ो आठवों क्लास का सोबत डाकुन की पाई, सोक जाए लगो डकैती को रे, सोक जाए लगो डकैती को। और लीनो ग्रोह बनाए ध्यान धरी लियो भगवती को, है गयो ऐसो मत मारो रे, है गयो ऐसो मत मारो। और डाकू नाथू राम पुलिस ने गोली से मारो, भयो एक शेर मत मारो रे, भयो एक शेर मत मारो। और डाकू नाथू राम पुलिस ने गोली से मारो। क्या होता है, इसे शौक डकैती का चढ़ गया, उसने भारी ग्रोह बना लिया। लेकिन सावन महीना जब लगा है तब क्या होता है मेरे नौजवानों, सावन महीना लगो एक जन मित्र बनायो है रे, एक जन मित्र बनायो है। राम नरेश जाटब की जोड़ी तार बनायो है, लूट धन माल खूब लावे रे, लूट धन माल खूब लावे। और कर रव अत्याचार न शंका कालव की खावे, इधर देखिए ना राम नरेश को इसने जोड़ीदार बनाया, इस पर विश्वास करने लगा, जो भी धन माल लूट करके लाए
इसी को सौंप देता था, लेकिन क्या हुआ है? अरे मिली जैसे हंसन की जोड़ी रे, मिली जैसे हंसन की जोड़ी, और पायो बनी को शेर लाल की उम्र बहुत थोड़ी, परी रहे नैनन में डोरा रे, परी रहे नैनन में डोरा, और नाथुराम डकैत बोल रहे बागन में मोरा। और देखिए चारों तरफ शोर हो गया इसका कि नाथुराम डाकू कोई हुआ है, लेकिन अब दुश्मन के कलेजे थर्राने लगे हैं। मेरे नौजवानों, हाल हम सही बताते हैं रे, हाल हम सही बताते हैं, और शास्त्री लालू कुमार का पारा मासी गाते हैं, हुकम जग डरे नहीं डारो रे, हुकम जग डरे नहीं डारो, और डाकू नाथू राम पुलिस ने गोली ते मारो, भयो एक शेर मत मारो रे, भयो एक शेर मत मारो, और डाकू नाथू राम पुलिस ने गोली से मारो। और होना हार जो हुई कि जो मिटे जो बाप धनी लिखी समारी, अरे लिखी विधाता की रे नहीं मिटे, भैया सुनियो कान लगाई, और देखिए नाहर जो है पनी में घूमने लगा, अब तो लोगों के कलेजे थर्राने लगे हैं। मेरे नौजवानों क्या हुआ है? इधर तो चम्मिल की घाटी और इधर यमुना की घाटी में शेर हुआ है, और इधर चम्मिल की घाटी में बेटा अब तो रव है आवाज लगाई, अरे इतमे जमुना मैया के किनारे जाकी लहरें जो लइए लहराई, अरे हरी हर बोलो मेरे भाई, और कर्म लेख नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुराई, इधर मेरे नौजवान साथियों जब इसने ग्रो बना लिया, जोड़ीदार को भी साथ ले लिया है, अब तो चारों तरफ घूमने लगा है शेर की तरफ, लेकिन नौजवानों भादों के महीने में क्या हुआ है? भादो महीना लगो के घर सो दौड़ दयो रे ना तारे, के घर सो दौड़ दयो ना ता, और माता पिता दे छोड़ छोड़ दे जाने कुल भ्राता, ये घर से नाता तोड़ दिया है मेरे नौजवानों। और ये नाथुराम सभी भाइयों में बड़े थे, इनकी मैया का नाम था सुंदरी, और मैया ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, लेकिन इनके पिता का नाम है तोताराम, उन्होंने ही बहुत समझाए लेकिन नहीं माने, और क्या हुआ? अरे मात ने बेटा समझायो रे, मात ने बेटा समझायो, और पुलिस करेगी तंग दुखी सो बेटा तू जायो, अरे एक जन्मो ऐसो ओतारी रे, एक जन्मो ऐसो ओतारी, और कर रहो खोटे काम दूर सब इज्जत कर डारी। और जब इतनी बात मैया ने कही है तो नाथू राम कहने लगे हमें कोई सीख देने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें यह नहीं मालूम है हम किस मजबूरी में हुए हैं, और क्या बोला है? हमें क्यों गैल बताती है रे, हमें क्यों गैल बताती है, और जे छत्री के काम नशे में झूमे हाथी है,
पुलिस बा रंट निकारो है रे पुलिस बा रंट निकारो है और उल्ली नी कुड़क कराए तो नहीं हिम्मत हारो है तुरत ही खाई गयो कारो रे तुरत ही खाई गयो कारो और डाकू नाथू राम पुलिस ने गोली से मारो और अरे ध्यान दे तुम्हें सुनाते ही रे ध्यान दे तुम्हें सुनाते हैं और डाकू नाथू राम की बारा मासी गाते हैं और इधर मैया बोली है सुंदरी अरे मेरे लाल तू क्यों परेशान कर रहा है सभी को अरे लाल ये चोरी छोड़ दे और मैया क्या बोली है और मैया बोलने लगी का बेटा सुन ले अब तू जो कान लगाए और क्या हुआ अरे कैसो काम रे करो तूने जग में सबको रोई रोई कर रहो है रुलाए मैया बोली बेटा पुलिस दिनों रात परेशान करती है किसी को भोजन नहीं मिल पाता है छोटे छोटे भाई रोते हैं तुम्हारे बेटा मान जाओ और बोली है मैया और दिनों रात पुलिस घर आवे बेटा कैसी जे पार बसाई अरे छोटे छोटे का भैया रोवे धक्का लगो तो कले जा जाए हाली थी अंबर कहालो नदिया सूख रे गई भेराई और पिताजी तोता राम ही जाके मैया सुंदरी नाम कहाई अरे बात न मानी फिर गाऊ की जाते कैसी रे पार बसाई मैया रोने लगी और मैया कहने लगी अरे मेरे प्रभु मेरे लाल को किसी तरह से समझा दो ओ मुरली के बजैया श्याम मेरे बेटे समझाए दीजिए ओरे बंसी पाले श्याम के मेरे ढोटे समझाए दीजिए लाल समझाए दीजिए मेरे बेटे समझाए दीजिए ओरे मुरली पाले श्याम का मेरे बेटे समझाए दीजिए लेकिन नाथूराम नहीं माने इधर अपने ग्रोह को लेकर के चल देते हैं मेरे नौजवान साथियों और इधर महीना क्वार का आया है तो क्या हुआ क्वार महीना लगो मुखबरी मुखबर ने खाई नाथूराम को पतो बताए दो थाने में जाई पुलिस ने डारो डेरा है पुलिस ने डारो डेरा है नाथूराम को एक बार फिर चौतरफा घेरा निकल गयो कर के चतुराई रे निकल गयो कर के चतुराई और 50,000 को माल दयो फिर एक को पकड़ाई एक बार क्या हुआ जब मुखबर ने मुखबरी खाई
चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, लेकिन शेर चतुराई करके निकल गया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ पाई और यमुना के किनारे भाग गया है मेरे नौजवान साथियों। एक किसी को 50,000 का माल दे करके फिर चम्मिल की घाटी में कूद गया, लेकिन हुआ क्या? अरे पुलिस के हाथ नहीं आयो, रे पुलिस के हाथ नहीं आयो, भर डोले बंदूक खूबवा तंक मचायो है, कलेजा सुन सुन थराबे, रे कलेजा सुन सुन थराबे, नाथुराम घरों में भैया सीधो अराबे, मौत को फंदा है पारो, रे मौत को फंदा है पारो, डाकुरा थुराम पुलिस ने गोली ते मारो, मौत को फंदा है पारो, रे मौत को फंदा है पारो, और डाकू ना थुराम पुलिस ने गोली से मारो। इधर मेरे नौजवानों, कार्तिक के महीना में क्या हुआ है, शेर ने क्या किया है? कार्तिक महीना लगो कि बादर इसने फारे है, रे कबादर इसने फारे है, डाकू नाथू राम ने भैया जुलम गुजारे है, शब्द जग बड़ो करारो है, रे शब्द जग बड़ो करारो है, चम्मिल को है शेर नहीं फिर हिम्मत हारो है, सुनो निक मेरी लासानी, रे सुनो निक मेरी लासानी, डाकू नाथू राम को भैया अजब कहानी है। क्या किया है इस नहर ने, बहुत बड़ा गिरोह बना लिया, छोटे मोटे डकैतों को भी शामिल कर लिया मेरे नौजवानों। अब तो पूरा क्षेत्र दहलाने लगा है। अरे ग्रोह जन बड़ो बनाए लो है, रे ग्रोह जन बड़ो बनाए लो है, और बाहर के जो डकैत की अपने साथ मिलाए लए हैं, बनी में नहर सो डोले, रे बनी में नहर सो डोले, जो अंगुली दे या चलाए बदन के सब गड्ढा खोले। और देखिए इसने ऐलान कर दिया कि जो मेरी मुखबरी करेगा उसका बुरा हाल होगा। अरे पुलिस को खोप नहीं खाबे, रे पुलिस को खोप नहीं खाबे, देता है ललकार पुलिस पे सीधो अराबे, मरो मत मौत पराई है, रे मरो मत मौत पराई है, नाथुराम डकैत रयो आ बाज लगाई है, बन गयो ऐसो हत्यारो, रे बन गयो ऐसो हत्यारो, राम पुलिस ने गोली ते मारो, भयो एक शेर मत मारो, रे भयो एक शेर मत मारो, डाकू नाथू राम पुलिस ने गोली ते मारो। और देखिए ग्रोह बना करके चलने लगा है, पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं खा रहा है मेरे नौजवानों। फिर क्या हुआ? और चम्मिल घाटी कोरे नहर है, पानी में रहे आवाज लगाई, अरे 30 कार्बन है रे कंधे पर, पूरे बांध रे लए हथियार, जब हथियार बांध के संभाल के जब चले हैं अपने संग साथियों को लेकर के मेरे बंधुओं, फिर हुआ क्या? फिर आवाज लगाई नहरनी, डंका बजो क्षेत्र में जाए,
अरे जाने करी मुखबरी मेरी कुन बाबा को दिए नसाई। लेकिन अब तो पुलिस भी परेशान हो गई, ये डंका की चोप से डकैती डाला है मेरे नौजवानों कह करके। और डीआईजी एसपी जो दरोगा सबई रहे तो देहलका खाई। अरे जमिल और जमुना के बीच में नाथ राम दौदी गुल बजाई। हुआ क्या डाकू पैदा है सो भयो प्राण सबके दहलाने हैं। डाकू ऐसो पैदा भयो के प्राण सबके दहलाने हैं। प्राण सबके दहलाने हैं। इधर अगेन महीने में क्या हुआ है, चारों तरफ इसका डंका बजने लगा है मेरे नौजवानों। अब तो इसके दुश्मन जो हैं वो थर थर कांपने लगे हैं। अगेन महीने में क्या हुआ, अगेन महीना लगो हाल हम तुम्हें सुनाते हैं। हाल हम तुम्हें सुनाते हैं और नाथू राम को पतो का मुखबर जाए बताते हैं। मुखबर तुरंत बुलाए ले हैं। इधर क्या हुआ, जैसे ही मुखबरी करी है इसको पता चल गया है कि इसने मेरी मुखबरी करी है तो बुलाया उन मुखबरों को। और हुआ क्या, अरे एक मुखबर तुरंत बुलाए हैं और कर कमरे में बंद मार फिरी सब लगवाई है। कि मुखबर धर चिल्लाने हैं, का मुखबर धर चिल्लाने हैं और जीवत मुखबरी न करे का भैया ऐसी बदलानी है। आज मेरे नौजवानों जैसे ही कमरे में बंद करके मुखबरों की मार लगवाई है, मुखबर धर के चिल्लाने लगे कि जिंदा मुखबरी हम नहीं करेंगे, भैया मुझे अब की बार छोड़ दो। लेकिन ये इतने दयावान थे छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे बंधुओं दया फिर इसको आई है, दया फिर इसको आई है और उनको दियो अब छोड़ जी बने कोई चलाई है। पेस नहीं होनी दे जा मेरे, पेस नहीं होनी दे जा बे और डाकू नाथू राम क्रोह सब सीधो अरावे। और सदा दीनन को हितकारी, सदा दीनन को हितकारी और चिलाई डाबा बीच भयो एक शेरु अवतारी। नहीं फिर हिम्मत हारो हेरे, नहीं फिर हिम्मत हारो है और डाकू नाथू राम पुलिस ने गोली से मारो है। हाँ भयो एक शेर मत मारो, भयो एक शेर मत मारो और डाकू नाथू राम पुलिस ने गोली से मारो। इधर मेरे नौजवानों क्या होता है, शेर आवाज लगाने लगा लेकिन आहा दुश्मन पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन क्या किया है नौजवानों, पूस महीना लगो सुनो सब सज्जन चितलाई। ए पूस महीना लगो सुनो सब सज्जन चितलाई। लेके क्रो पहुंच गो भैया जमिल पर जाई। खूब जन लूट कराई है रे, खूब जन लूट कराई है बड़े बड़े पैसों वालों की करी खिंचाई है।
है शेर, अरे कोई मुखबरी करेगा तो उसका बुरा हाल कर देंगे। और क्या बोला है, काम जो खोटे करता है, काम जो खोटे करता है, और है समझन की बात मौत कूते की मरता है, कि सबके छूट रहे छका, कि सबके छूट रहे छका, और नाती बेटा कहे मुखबरी छोड़ी देव कका, काल की नाई करी संकारे, काल की नाई करी संका, और चिलाई टाबा पीछ बच रहे नाहर को डंका, काल की नाई करी रे संका, और चिलाई टाबा पीछ बच रहे नाहर को डंका, लाश पे लाशी पार डारो, लाश पे लाशी पार डारो, और डाकू नाथू राम पुलिसनी गोली से मारो, भयो एक शेर मत मारो रे, भयो एक शेर मत मारो, और डाकू नाथू राम पुलिसनी गोली से मारो, हरी हर बोलो मेरे भाई रे, हरी हर बोलो मेरे भाई, और कर्म लेखन मिटे करो चाहे लाखू चतुराई, इधर मेरे नौजवानों एक बार घर पर फेरा लगा है तो इसकी मैया जो है सुंदरी समझाने लगी, मेरे लाल चोरी न करो मेरे लाल, चोरी छोड़ दो मेरे बेटा, क्योंकि बहुत बुराई हो रही है जग में तुम्हारी। और झोली पसार के क्या बोली है सुंदरी मैया, चोरी दे अब छोड़ी लाल तेरी माँ तरित समझाई रे, लाल चोरी छोड़ दो मेरे लाल, सारा घर परेशान है, रिश्तेदार परेशान है, पूरा नगर परेशान है, लेकिन बोले हैं नाथुराम मैया मैं मजबूरी में डकैत हुआ हूं, मुझे ऐसे शौक नहीं चढ़ा है। इधर मैया बोली, उस ईश्वर से डरो लला तू नीला तो पाप कमाई रे, तूने अपनों घर लाला फिर दो तो नाश कराई रे, लाल बहुत हो गया, बहुत हो गया चोरी छोड़ दो मेरे लाल, डकैती मत डालो। और क्या बोली, और हिलकी भर की मैया बोली जग में होती बुराई रे, धरती भागिन तू फट जाइए तो जाम समाई रे, मैया रोने लगी गिड़गिड़ाने लगी है, ऐसे मैया रोई रही भैया बछड़ा बिन चौंकाई रे, अपने आंगन में लाला को रही मात समझाई रे, लेकिन मैया बोली मेरे लाल चोरी को छोड़ दो मेरे लाल, लेकिन नाथुराम नहीं माने। इधर मैया आंगन में रोने लगी और क्या बोली है मैया, ओ मुरली के बजैया श्याम, ओ मुरली के बजैया श्याम मेरे ढोटे समझाई दीदी, ओ रे बंसी पाले श्याम मेरे लाले समझाई दीदी, समझाए दीजे मेरे बेटे समझाए दीजे, ओरे बंसी पाले श्याम मेरे बेटे समझाए दीजे। अब क्या हुआ,
मैं चला जाता एक भी नहीं सुनी है। इधर मैया रोती रह गई मेरे नौजवानों, छोटे छोटे भाई भी रो रहे थे, लेकिन इधर माह महीना में क्या हुआ। माह महीना लगो ए माह महीना लगो कटेरा चमिल पैडारो रे कटेरा चमिल पैडारो और भारी ग्रोह बनाई शेरनी मोखा फिर डाटो। हुआ क्या इलाका नाम से थर्राबे चारों तरफ तहलका मच गया है, नाथूराम का डंका बज गया। सोच रहे हैं गांव वाले कहीं नाथूराम का ग्रो ना जाए। अरे इलाका नाम से थर्राबे रे इलाका नाम से थर्राबे डाकू नाथूराम से भैया पेशर नहीं जावे। सुनो सब सज्जन चितलाई सुनो सब सज्जन चितलाई और तीन गरीब को भैया अब तो करे सहाय है। सुनो निक मेरी सरदारी रे सुनो निक मेरी सरदारी और डाकू नाथू राम सदा दीनन को हितकारी। लेकिन इसने कभी गरीबों को नहीं सताया, गरीबों की हमेशा मदद करी है मेरे नौजवानों। नाम जन खूब कमायो है रे नाम जन खूब कमायो है और मोहन मुरली पाले को जानी दिल में बसायो है। कांड जन बहुते रोकियो रे कांड जन बहुते रोकियो और बड़े बड़े दुश्मन को भैया काप गो ही हो। सिंह जब धर के हुंकारो रे सिंह जब धर के हुंकारो और नाथूराम पुलिस नी भैया गोली ते मारो। भयो एक शेर मत मारो रे भयो एक शेर मत मारो और डाकू नाथूराम पुलिस नी गोली से मारो। इधर पूरा इलाका कांपने लगा है नौजवानों, फिर क्या हुआ। और लेके ग्रोहर नाथू राम जो अब जो अंगारी बड़ो ददा। अरे लिखी विधाता की रे नहीं मिटे भैया तीनों ग्रोह चलाई। अरे दुश्मन बन गई अजय महावीर तो मन ही मन में रहो तो दहलाई। अब तो मुखबर मन में कहे मौत सब पे मंडरानी है। अब तो मुखबर मन में कहे मौत सब पे मंडरानी है। शास्त्री अब तो लाल कुमार मौत सब ही पे मडरानी। इधर क्या हुआ फागुन महीना लगता है दुश्मन दहलाने लगे हैं मेरे नौजवानों। सोचने लगे ये शेर कब मरेगा तब हमें छुटकारा मिलेगा। हुआ क्या फागुन महीना लगो मिलाई दई करता ने जोड़ी रे मिलाई दई करता ने जोड़ी दई नाथूराम ललकार छिड़ाई लई सेठ की घोड़ी। अरे गाम जनी
करवाए दे खाली रे गाम जन करवाए दे खाली। और चढ़ घोड़ी पर फिरो कर रानी आज भयो चाली। गाम के गाम खाली हो गए भैया, हुआ क्या? अरे गाम जन करवाए दे खाली रे गाम जन करवाए दे खाली। और चढ़ घोड़ी पर फिरो कनाथू राम भयो जाली। कचरचा घर घर में फैली रे कचरचा घर घर में फैली। और बड़े पेट बालों से धराए लई नोटन की थैली। इधर हुआ क्या? मरे हम बिना मौत मारे। दुश्मन कह रहे हैं हम तो बिना मौत के मर रहे हैं। मरे हम बिना मौत मारे रे मरे हम बिना मौत मारे। और कैसी बेरी मरे जुलम जन भारी कर डारे। और सुनो, अरे गजब जन भारी कर डारो रे गजब जन भारी कर डारो। डाकू नाथू राम पुलिस ने गोली से मारो गजब जन। अरे हरी हर बोलो मेरे भाई रे हरी हर बोलो मेरे भाई। और करम लेख नहीं मिटे करो जई लाख चतुराई। इधर शोर मचा है जब नहर का लेकिन हुआ क्या? और मचो शोर आज जब नहर को मर तो ध्यान रे बिसर नहीं जाए। अरे चित को नहर जबई जावे नाई मसो तलक भनाए। इधर जहां जाता है वहां सुनसान हो जाता है, कोई नहीं बोलता है। लेकिन ध्यान रखो बाजी बेर बाजी पे हुक्म हासिल कीजिए। बाजी बेर बाजी की अनेक बात सही है। बाजी बेर साला तो साल दान कीजिए। बाजी बेर कमल को टूक ओढ़ी रही है। बाजी बेर भोजन अनेक बार कीजिए। बाजी बेर भूखा तो सोई कहीं रहिए। लालू कुमार मत हिम्मत तुम्हारी हो जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। और डोलह नहर लेकिन इसकी शोभा क्या है नौजवानों? और चोड़ी छाती है रे नहर की मोह पे मूछरे लपेटा खाए। अरे साथ में क्रोह चलो मेरे भैया दुश्मन रहे दे तेलका खाए। भैया नाथू राम डकैतन जग में शोर मचायो है। भैया नाथू राम डकैतन जग में शोर मचायो है। शोर मचायो है नाहरनी शोर मचायो है। भैया जग में नाथू राम को भैया शोर मचायो है। इधर हुआ क्या? जिस समय चारों तरफ तहलका मच गया लेकिन
अब मुखबरों को बहुत बड़ी चिंता होने लगी है, धीरे धीरे मुखबरी करने लगे और ज्यादा। इसके कान में जब भनक आई है तो इस शेर को चिंता हो गई, नाथूराम को चिंता हो गई, लेकिन हुआ क्या चैत में। चैत सुनो चितलाई जिगर में, चिंता छाई रही रे जिगर में, चिंता छाई रही और मन में चिंता लगी, मोती सर पे मंडराई रही। सोच जय लगो जो, सोच जय लगो जो भारी है रे, सोच जय मन में भारी है और तीन बंद भगवान के कैसे रक्षा हमारी है। और जब इसके अंदर सोच लगने लगा तो अपने जोड़ीदार राम नरेश को बुलवाया। राम नरेश, मुझे मालूम पड़ता है कि हमारी अंदर से कोई मुखबरी पेश कर रहा है। सोच जग दिल में छायो है रे, सोच जग दिल में छायो है और संको जोड़ी तार कर राम नरेश बुलवायो है। और हुआ क्या मेरे बंधुओं, रहो फिर बाकू समझाई रे, रहो फिर बाकू समझाई और चमली और जमुना के बीच में ढाण लगाई है। डकैती कह के डाल रहे हो, आज ऐलान करके डकैती डालता है। अगर कोई कहता है कि हम इसको पकड़ा देंगे तो ऐलान और करता है कि किसी में दम है तो रोक लेना, आज मैं डकैती डालूंगा दिन के 12 बजे। डकैती कह के डाल रहे हो रे, डकैती कह के डाल रहे हो और पुलिस बड़ी हैरान, खौफ नहीं बिल्कुल खाई रहे हो। काम जन कर बैठे खाली और तीनों बंद भगवान तुम्हें दुनिया के माली हो। करी जन मीटिंग मेरे भाई रे, करी जन मीटिंग मेरे भाई और सब साथ इनको ग्रो लयो मेरे भैया बुलवाई। इधर एक बार इसने मीटिंग की और मीटिंग में सभी ग्रोह को बुलवाया और कहा है कि देखिए मेरा ये ऐलान है कि मेरा कोई साथी गरीबों को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि गरीबों को परेशान जो भी करोगे वो हमारी गोली के हिसाब से मारे जाओगे। और क्या बोला है, रहो फिर सबको समझाई, रहो फिर सबको समझाई और करो गरीब की रक्षा, तुम अब सुन लो मेरे भाई। बचन जने ऐसो उचारो रे, बचन जने ऐसो उचारो और नाथू राम डकैत पुलिस ने गोली से मारो। भयो एक शेर मत मारो रे, भयो एक शेर मत मारो और डाकू नाथू राम पुलिस ने गोली से मारो। ये भी समझा रहा है लेकिन ये ज्ञान जाने कहां से आ गया। रहना नहीं अमर शरीर, नाथूराम कह रहे सभी साथियों से, रहना नहीं अमर शरीर, नर धोके में मत रह जइयो। इधर बैसाख के महीना में क्या हुआ नौजवानों, चारों तरफ घूमने लगा लेकिन इधर मुखबरी मुखबर खा रहे हैं। बैसाख महीना लगो शेर को चिंता छाई है रे, शेर को चिंता छाई है ओ
और मेरे साथ में कोई मिल करी करी रहो घटियाई। इधर डकैती डालने के लिए पहुंचा है रतनपुरा में, डकैती जने रतनपुरा में डारी रे डकैती रतनपुरा में डारी। और एसपी दरोगा गए कब फिर जब हिम्मत कुहारी, निकल गयो कर की चतुराई रे निकल गयो कर की चतुराई। और छह फुट को है जवान पुलिस गई मन में घबराई। काल की नाई करी संकारे काल की नाई करी संका, और चिलाई टाबा बीच बज रहो नाथू राम टक्का। हुआ क्या सुनो सब सज्जन चितलाई, सुनो सब सज्जन चितलाई। इधर अपना ग्रो लेकर के मेरे बंधु नाथूराम बल्लापुर में पहुंचता है एक सुनार के यहां सेठ के यहां डकैती डालने के लिए। सुनो सब सज्जन चितलाई रे सुनो सब सज्जन चितलाई, और कछु दिना के बाद पहुंच गो बल्लापुर जाई। और सब साथियों को लेकर के डकैती डालने लगा है, डकैती सुनार घर डारी रे डकैती सुनार घर डारी। और लाखों को धन माल कर राम नरेश को पकड़ाई, अपने जोड़ीदार राम नरेश को लाखों का धन माल दे देता है, लेकिन इसने घटियाई करना शुरू कर दी, माल धीरे धीरे छुपाने लगा है। लेकिन वो शेर नहीं जानता था कि मेरा मित्र ही मेरे साथ घात करेगा। करीजन संग में घटियाई रे करीजन संग में घटियाई, ओ लाखों को धन माल दयो फिरी जाने दुबकाई। चुलम जने भारी कर डारो रे चुलम जने भारी कर डारो, और डाकू नाथू राम पुलिस ने गोली से मारो। भयो एक शेर मत मारो रे भयो एक शेर मत मारो, और डाकू नाथू राम पुलिस ने गोली से मारो। और देखिए इस नहर के साथ में किस किस ने घात किया, मुखबर मिलकर के घात कर रहे हैं राम नरेश संतों की लाल चेतु और महावीर, बहुत बड़ा दगा किया। हरी हर बोलो मेरे भाई रे हरी हर बोलो मेरे भाई, और कर्म लिखी नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। लेकिन हुआ क्या नौजवानों, जब इन सब ने मता बिचारा है कि धोखे से इसको ले चलो तभी ये मरेगा, इधर पुलिस को भी खबर कर दो, सभी जगह की पुलिस आकर के घेरा डाले फिर ये नहीं बच पाएगा। लेकिन शेर को नहीं मालूम था कि हमारे साथ ये चार लोग मिलकर के घात कर रहे हैं, क्यों वो तो विश्वास करता था, लेकिन ये विश्वासघाती सबसे बड़े निकले। और होना हार जब हुई कि मिटे हैं भैया सुनियो का कान लगाए, अरे मुखबरी कर दैया जो नाहर की थाने में पतो बताए दो जाए। और क्या बोले दरोगा से, आज दरोगा से जय बोले दरोगा सुनियो कान लगाए,
रहना हर को धोखे से में तो एक जगह तो पहुंचेंगे जाए। लेकिन राम नरेश संतों की लाल चेतु महावीर बोले हैं, और चिंता जिगर में तुम मत करियो, दरोगा जी हम तो दिए मिलवा, जैसे शमुख तुम्हारे आवे, अरे जैसे सन्मुख तुम्हारे आवे, अपनी गोली दियो चलाई। दरोगा एसपी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, किसी को भनक नहीं चलेगी और हम रात में ही फोर्स को बुलवा लेंगे, लेकिन तुम्हारा ये काम है कि मिलकर के उसको यहाँ लाना है जहाँ पे जगह बताई है। लोगों नहीं पता है नाथूराम को कि मेरे साथ में कौन गद्दारी कर रहा है, नहीं मालूम है आज नाहर को कौन गद्दारी है करे अघाई। अरे शाम के वक्त के यारे मेरे भैया पाके पास में पहुंच गए जाए। और क्या हंस हंस के बतलाने लगे हैं, भैया अब क्या कहां जाना है बाजी बा। और तालु बिगाड़े तैर कई ने चुगलन ने डारे हैं गांव बिगाड़। अरे होना हार जब हुई कीमत है, शेर तो समझ सको नहीं जाए। बोले हैं चलो भैया आज वहां जाना है, थोड़ी पार्टी करनी है, बड़े दिनों से ये मौका आया है। और लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी को भनक नहीं चलेगी, हम साथ ही साथ में चलेंगे सब लोग, लेकिन वो भोले भाले नाथूराम नहीं समझ पाए। और नाथूराम से हंस बतलाने भैया संग में चलो अघाई। अरे काल के काल में जब जे दुश्मन, अरे काल के काल में जब जे दुश्मन, आज उसे जो रहे लिबाई। लेकिन नौजवानों भैया होनी है बलवान, बुद्धि जब चक्कर खाती है, भैया होनी है बलवान, बुद्धि जब चक्कर खाती है। बेटा अमर शामिर तूफानी जब मौत आती है तो मन चकरा जाता है। भैया होनी है बलवान, बुद्धि जब चक्कर खाती है। बेटा राहुल बेटा मन अब तो होनी है बलवान, बुद्ध जब चक्कर खाती है। देखिए शेर को लेकर के चलने लगे हैं मेरे नौजवानों, लेकिन बारे प्रभु क्या कहें कुछ कहने में नहीं आता है। और होनी है बलवान रे होएगी भैया सोई, विधना ने भैया लिख दई रे जय मेट सके नहीं कोई। बारे भगवान महाराज प्रीत की रीत निराली है, शेर को कैसी ले जा रहे हैं, जगह दूरत कहीं तो मैं तो हाल मेरे भैया ने, शेर को कैसी ले जा रहे हैं, जगह कैसे पखानू मैं तो हाल मेरे भैया ने, शेर को देखो कैसे ले जाए रहे। आज मेरे
बंधु जैसे इस शेर को लेकर के चले हैं, शेर नहीं समझ पाया कि मेरे साथ ये छल कपटी चल रहे हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, मन में कुछ आभास होने लगा है नाथूराम को, और इधर जा रहे हैं शेर को लेकर के मेरे बंधुओं। इधर मन ही मन में सोच रहा है कि आ जाने क्या होगा, लेकिन मन में क्या बोला है, अरे ने कसूनी ले ओ अर जौरे हा मारी, बोला है। कहने लगे आप लोग आज इतनी जल्दी पार्टी क्यों दे रहे हो, अरे ने कसूनी ले ओ अर जौरे हा मारी, जे तो मन मेरा हो रे बिचारी। लेकिन बारे भगवान, नहीं मालूम है उस शेर को कि मेरा आज अंतिम समय है। और जब सिला रे सुरगते डारी, पिपता में घरने लगा सिंह, नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन नौजवानों, और पिपत्या बरिया शिव पे पर गई मर्द शिव सताई दवाई, और पिपता पर गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पर पिछारी। भैया अपने संग में आज दुष्ट जब लेके जा रहे हैं, भैया अपने संग में आज दुष्ट जब लेके जा रहे हैं, दुष्ट के। इधर मेरे नौजवान साथियों, जब चले हैं और एक पूरा बसावन सिंह पड़ता है, वहीं उनको ले जाते हैं। लेकिन जेठ महीना में क्या हुआ, इधर चारों तरफ फोर्स लगा दी है। लेकिन शेर को नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या घटना घटने वाली है। जेठ महीना लगो हाल हम तुम्हें बताते हैं, हाल हम तुम्हें बताते हैं, और पूरा बसावन सिंह एंड हम वहां का गाते हैं। आज मेरे नौजवानों, पुलिस चारों तरफ से पड़ी हुई है, इधर शेर को ले जा रहे हैं, लेकिन उसकी मौत धीरे धीरे पास में आने लगी है। लेकिन नहीं मालूम था, अरे मुखबरी इन सब खाई है रे मुखबरी सबने खाई है, और चारों तरफ से पुलिस लई मेरे भैया बुलवाई है। मुखबर क्या बोले हैं कि जिंदा नहीं निकल पाए, अगर ये जिंदा निकल गया तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। सबसे कह दिया है पुलिस वालों से, अब तो अपनी अपनी मैगजीन तैयार किए हुए, अपने अपने हथियार तैयार किए हुए ऊपर चढ़े हैं। लेकिन नहीं मालूम है शेर को, पुलिस ने नंगर घिरवायो रे, पुलिस ने नंगर घिरवायो,
चौथर पासे फोर्स ददा मेरे भैया लगवायो। देखिए गद्दार ले जा रहे नाहर को नाथुराम को। अरे चाल नहीं उनकी समझ पाई रे, चाल नहीं उनकी समझ पाई, और रूपा के साथ में मिल कर कर रहे सबई घटियाई। क्या हुआ पेश नहीं होनी से जाती रे, पेश नहीं होनी से जाती, और राम नरेश कपन का भैया ऐसा कुल घाती। पेश नहीं होनी से जाती रे, पेश नहीं होनी से जाती, राम नरेश कपन का भैया ऐसा कुल घाती। मेरे नौजवानों जैसे ही नाथुराम को अंदर ले गए हैं, आहा वो कौन सा वक्त था मेरे बंधु जिस शेर पे गोली चलाई। इधर जैसे ही अंदर देहरी के हुए हैं, चलाई दई पुलिसों ने गोली रे, चलाई दई पुलिसों ने गोली, और सीना में जाय लगी कनिकली मुख से नहीं बोली। जैसे ही नाथुराम अंदर प्रवेश किए हैं, वैसे ही मुखबरों ने इशारा किया कि अब ये नाहर निकल नहीं पाए, पुलिस ने गोली चलाई है मेरे बंधुओं। भरो फिर अंतिम हुंकारो रे, भरो फिर अंतिम हुंकारो, और डाकू नाथुराम पुलिस ने गोली से मारो। मेरे नौजवान साथियों, ये जो कैसेट डाकू नाथुराम जाटव की बारामासी देव कैसेट के माध्यम से ये पहुंच रही है, जो हाथ मंत में ये स्टूडियो खुला हुआ है, और हमारे साथ जो साथ दे रहे हैं रिकॉर्डिंग करता है देव कैसेट, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं ढोलक वादक अमर यादव, चिपटा पर संगति कर रहे हैं श्यामवीर सिंह तूफानी नंगला हरि के, और घड़ा वादक हैं अमन कसौली वाले जो भी शिष्य हैं, और शिष्य राहुल बघेल कमालपुर वाले जो हमारे शिष्य स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री के छोटे भाई हैं, और साथ में बैठे हैं हरिओम नंगला हरि सिंह के रहने वाले हैं, और ये सभी संगति कर रहे हैं संगीत पर। लेकिन हुआ क्या, चलाई दई पुलिसों ने गोली रे, चलाई दई पुलिसों ने गोली, और सीना में जाय लगी कनिकली मुख से नहीं बोली। भरो फिर अंतिम हुंकारो रे, भरो फिर अंतिम हुंकारो, और डाकू नाथुराम पुलिस ने गोली से मारो। देखिए सुनो सब सज्जन चितलाई, और नाथुराम के पिता का तोता राम सुनो भाई। मैया सुंदरी बताई है रे, कमैया सुंदरी बताई है, ओ तीन बंद भगवान कहानी कैसी आई है। और शास्त्री लाल कुमार का बारामासी गाई है, ए शास्त्री लाल कुमार का बारामासी गाई है, और देव कैसेट के माध्यम से तुम तक पहुंचाई है। हरी हर बोलो मेरे भाई रे, हरी हर बोलो मेरे भाई,
और कर्म लेख नहीं मिटे करो चाहिए लाखों चतुराई।